आपका क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल वॉज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इफ अ वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टॉल वॉज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, दैट मीन्स एच, एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, वॉज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो इसने मिरर का नाम नहीं बताया, स्पेरिकल मिरर, तो हम एक स्पेरिकल मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज योर स्पेरिकल मिरर, एंड दिस ये जो है आपका, ये आपका सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वी कैन से, ठीक है। यहां से आपका प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो दिस इज योर, वी कैन से दिस इज योर सी। अब देखो कि ये जो साइड है, ये अगर जो साइड है, इफ यू आर टेकिंग हाफ ऑफ दिस, तो ये जो साइड है ये आपका क्या हो गया, इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इज हियर एंड पोल इज हियर, ठीक है। और अगर आप इस साइड में देख रहे हैं, दिस साइड, तो ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, तो इसका सी इज हियर, एफ इज हियर। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देते हैं हम उसको, तो दिस इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, दैट मीन्स एक्स कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव है ना, तो ए कॉनकेव। तो ये आपका ये हो गया फोकल लेंथ और ये हो गया आपका पोल। अंडरस्टैंड दिस, इसने क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर आपका ये मिरर है कॉन्वेक्स वाला, तो इसका 5 सेंटीमीटर ये टॉल यहां पर प्लेस होगा। नेक्स्ट, एट 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव है ना, तो यू इज नेगेटिव ऑलवेज, तो -20 सेंटीमीटर। तो सपोज हमने क्या किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो अगर आपका ये कॉन्वेक्स है, तो दैट मीन्स पी टू दिस इज 20। अगर आपका कॉनकेव है, तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 20। ये आपको याद रखना है, तो दिस इज 20 एंड हाइट इज 5, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कहां पर बनता है हमारा, ऑलवेज राइट साइड, तो जो राइट साइड में बनेगा वो हमारा वर्चुअल होगा एंड कैसा होगा, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, इरेक्ट है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसने देखो क्या बोला है, वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर टॉल, दैट मीन्स एच डैश, एच डैश इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्म बिहाइंड द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ, तो आपको क्या क्या निकालना है, एक तो एफ निकालना है, सेकंड क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, दैट मीन्स वी। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ मिरर,
तो मिरर का टाइप, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है, व्हाट इज दैट, जिसके अंदर एच एन एच डैश आता है, दैट इज योर मैग्निफिकेशन। तो वी विल यूज मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब देखो एच डैश हमारा कितना है, 10, तो 10 बाई एच इज 5। 10 किसने लिखा हमने, क्योंकि ये इरेक्ट है, स्टेट है, 10 दैट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यू इज माइनस 20, माइनस एन माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, 5v इज इक्वल टू 10 इंटू 20 इज 200, तो v इज इक्वल टू 200 बाई 5, दैट इज इक्वल टू वी कैन से इज 40 सेंटीमीटर। तो इमेज इज एट 40 सेंटीमीटर राइट साइड, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इमेज इज पॉजिटिव, राइट साइड में है, पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब देखो, तो ये तो हो गया हमारा पोजीशन, दैट मींस वी, अब हम निकालेंगे एफ, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा का फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। इसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो 1 बाई यू इज 1 बाई माइनस 20, और यू कैन राइट -1/20, एनीथिंग यू कैन राइट, तो वी कैन राइट 1 बाई माइनस 20 प्लस 1 बाई वी इज 40 दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो माइनस वी विल ब्रिंग अप, 20 एंड 40 का एलसीएम इज 40, तो 40 इज द एलसीएम। ठीक है, तो 40 अगर हमारा एलसीएम हो गया, तो 40 20 कितने डाल दिया, 2 टाइम्स, तो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, वी विल गेट -1/40 दैट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो क्या हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस एफ इज इक्वल टू 40, और यू कैन से एफ इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एफ आपका कहां पर है, माइनस में, दैट मींस लेफ्ट साइड। ठीक है, और कॉन्वेक्स का काम पर होता है राइट साइड, कॉनकेव का काम पर होता है लेफ्ट साइड, तो दैट मींस द मिरर इज ऑफ कॉनकेव टाइप। कैसा है आपका, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर, क्योंकि f इज नेगेटिव। अगर f पॉजिटिव आता तो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको करना है।